हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताती हूँ, मैंने ये बड़ा ब्यूटीफुल सा एक माजा की जो बोतल आती है उससे एक पेन स्टैंड बनाया। और मुझे इसकी सबसे अच्छी जो अपनी इस पेन स्टैंड की बड़ी क्यूट सी बात लगी है वो ये है कि मैं इसमें किसी भी चीज़ को जो मुझे लेना है वो मैं इसमें ऐसे ही रोटेट करके और ऐसे चारों तरफ से मैं इसे देख सकती हूँ। तो बड़ा ही मुझे ये अपना एक्सेसिबल लगता है, मतलब और देखने में इतना क्यूट लगता है कि इवन मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया। तो मैंने कहा लिया नहीं, कहाँ से बनाया ये पूछो। ठीक है, तो मैं ये बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। ये बोतल को मैंने कट किया, माजा की बोतल को, और जो इस पे प्रेस होती है यहाँ पे, जो ये चीज़ आपको बड़ी स्मूथ दिखाई दे रही है, तो ये स्मूथ बनाने के लिए मैंने आयरन को प्रेस को थोड़ा गर्म करने के बाद स्विच ऑफ करके और इसके जो को ये हैं इन्हें स्मूथ कर दिया, इस पे ऐसे घुमा दिया तो ये बड़ा स्मूथ हो गया। और ये बहुत ही प्यारा लगता है रखा हुआ भी, और इसकी जो स्पेस है वो भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। अगर पूरा प्रोसेस आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये बिल्कुल कैसे कैसे बनाया, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बताएं मुझे कि हमें भी आप बताएं कि किस तरीके से आपने ये पेन स्टैंड बनाया है, पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बड़ा क्रिएटिविटी करने का, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो यूजुअली पूछ ही लेते हैं कि ये कैसे बनता है दीदी, तो बताओ। तो मैं बताती हूँ उन्हें। तो मैंने सोचा है कि इस पर मैं एक यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाती हूँ, तो ये देखने के लिए कि क्या इस क्रिएटिविटी की यहाँ पर भी वैल्यू है या नहीं है, तो ये देखने के लिए मैंने जो है ये वीडियो बनाई है। तो अगर आप कोई चाहता है ये चीज़ देखना, या आपको किसी को, एक कहते हैं ना कि समझदार को ही सारा काफ़ी, तो वो देख के भी एकदम बना लेते हैं, और जिसे बिल्कुल मदद पूछना है तो वो बिल्कुल वेलकम है। और आप मुझे बताएं और मैं फिर आपको इसका पूरा प्रोसेस बना के बता दूंगी।